ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती पर बात की और अपनी नीति को दुनिया के सामने रखा। रूस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। रूस में अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई पीएम से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जाकिर नाइक के भारत प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं के बीच में ये तय हुआ कि दोनों देशों के बीच अधिकारी लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। देश भर में यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग रहा है, जिससे आम लोगों को काफी हद तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। नए ट्रैफिक नियमों को लेकर देश में मची हलचल पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का डर भी बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को बड़ा झटका लगा। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से मना करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब ईडी INX मीडिया केस में पूछताछ के लिए पी चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। धारा 370 खत्म होने के एक महीने पूरे होते ही सरकार ने कश्मीर वासियों को राहत दी है। घाटी के सभी इलाकों में बुधवार रात से टेलीफोन सेवा चालू कर दी गई है। श्रीनगर के डीएम का कहना है कि हम धीरे धीरे मोबाइल सेवा भी शुरू करेंगे। कुपवाड़ा में मोबाइल और टेलीफोन सेवा बहाल कर दी गई है। कश्मीर पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने LOC पर एक और ब्रिगेड तैनात की है। POK में पुंछ इलाके के पास बाघ और कोटली सेक्टर में एक पूरी की पूरी ब्रिगेड तैनात की गई है। बाकी इस ब्रिगेड में 2000 से ज्यादा सैनिक हैं। इस ब्रिगेड का इस्तेमाल पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने के लिए कर सकता है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। आजम के हमसफर रिसोर्ट पर बिजली विभाग के अफसरों ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चोरी की जा रही बिजली का केबल कनेक्शन काट दिया। इससे पहले भी आजम खान के हमसफर रिसोर्ट के अवैध कब्जे वाले हिस्से को तोड़ा गया था। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के और करीब पहुंचते हुए चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को निचली कक्षा में उतारने का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसरो ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्रिया के साथ ही यान उस कक्षा में पहुंच गया है जो लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह की ओर नीचे ले जाने के लिए जरूरी है। रिलायंस जियो की ब्रॉडबैंड सेवा जियो गीगा फाइबर आज से शुरू होगी। इस प्लान की खास बात यह है कि कंपनी न्यूनतम 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड, फ्री कॉल, फ्री HD TV और डिश देगी, जिसका न्यूनतम प्लान ₹700 महीना होगा और अधिकतम प्लान 10,000 का होगा। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस खास दिन को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।